बारिश के बाद महानगर के विभिन्न स्थानों पर हुए जलभराव को देखते हुए नगर निगम ने कई जगहों पर पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी कर रहा है। रुस्तमपुर स्थित विद्युत उपकेंद्र में बरसात के बाद जलभराव हो गया, जिससे विद्युत सप्लाई बाधित होने का खतरा मंडराने लगा, जिसको देखते हुए नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पंपिंग सेटों के माध्यम से वहां के पानी को नाली के रास्ते बाहर निकाला। इसी तरह सिंघड़िया के पास सड़क पर पानी लग गया, उसको नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर जल निकासी का काम करवाया। नगर आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए लगाए गए कंपनियों को समय से काम शुरू नहीं करने पर उनको नोटिस दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया। नगर निगम गोरखपुर में ज़्यादा बारिश होने की स्थिति में विशेषकर बंधों के किनारे की तरफ जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे निपटने के लिए बंधों के किनारे 11 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही साथ निचले जल इलाकों से पानी निकाल करके नालों में चढ़ाने के लिए 8 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। उपरोक्त पंपिंग स्टेशन के अतिरिक्त लगभग 92 छोटे पंप जो 10 हाउस पावर से लेकर के 25 हाउस पावर तक होते हैं, इनको पूरे शहर में जहाँ भी पानी भरता है लगाए जाते हैं। उसी के क्रम में आज रुस्तमपुर में बिजली घर में जहाँ पानी भर गया था, माननीय शहर विधायक के आवास के तरफ जहाँ थोड़ा जल भरा हुआ था, सिंघड़िया कॉलोनी की तरफ जहाँ रोड पे पानी आ गया था, इन सारे इलाकों का जो है सर्वे नगर निगम के द्वारा किया जा चुका है। वहाँ पे पंप लगा करके पानी निकासी हो रही है। विशेषकर सिंघड़िया में जहाँ पे मारुति के शोरूम के द्वारा वहाँ पे तालाब की तरफ दीवार बना ली गई है, जिससे वहाँ पानी इकट्ठा हो जा रहा है और वो आगे नहीं जा पा रहा है। उसका आज पूरा डिटेल सर्वे किया गया है और जल्द ही उसको पूरी दीवार को तोड़ के उस पानी के निकासी की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार जो हमारे निचले इलाके हैं, विशेषकर जैसे धर्मशाला बाजार, चकसा हुसैन, रुस्तमपुर, ढाला की तरफ प्राधिकरण की 8 नई कॉलोनियाँ जो नगर निगम ने हैंडओवर की है, वहाँ पे भी वहाँ की सफाई व्यवस्था, जल निकासी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, उनका भी निरीक्षण किया गया है। हम किसी भी सूरत में जल जमाव नहीं होने देंगे। जो भी पानी निचले इलाकों में भर भी रहा है, उसको भी तुरंत पंप लगा करके आउट कर दिया जाएगा। जो प्राधिकरण की नई कॉलोनियाँ जिन्हें नगर निगम को हैंडओवर किया गया है, वहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक कॉलोनी में जो है 20-20 कर्मचारी लगाए गए हैं। इस प्रकार विभिन्न प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से, सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 640 कर्मचारी निचली कॉलोनियों में मूर्तियों की सफाई के लिए, शौचालय के लिए, विभिन्न पार्कों के लिए लगाए गए हैं। इन्हें 1 अगस्त से कार्य करना था, किंतु इन कंपनियों द्वारा अभी आदमियों को नहीं लगाया गया है। इस संबंध में उपरोक्त कंपनियों को नोटिस जारी की गई है कि वो शीघ्र ही अपना कार्य प्रारंभ करें और सफाई